शासकीय बालक पूर्व माध्यमिक शाला में शिक्षिका के एक 14 वर्षीय 8वीं कक्षा के नाबालिग छात्र को डंडे से पीटने का मामला सामने आया। पिटाई सिर्फ इस बात पर की गई कि छात्र ने खाली कक्षा में सीटी बजाई थी। बच्चे की पीठ पर उभरे निशान मैडम की करतूत खुद बयां कर रहे हैं। घटना के दौरान स्कूल के प्रधान पाठक कोटा मीटिंग में गए हुए थे। हाई स्कूल के प्रिंसिपल ने शिकायत मिलने पर शिक्षिका को फटकार लगाते हुए वाक्य का स्पष्टीकरण मांगा है। आज के समय में शारीरिक सजा का कोई प्रावधान नहीं है, न्यायालय भी इसके लिए कारावास की सजा सुनाती है, तब भी छात्र को पीठ पर 20 दंड मारे गए। लेकिन दूसरे बच्चे को देख करके ना सीखे बोल करके ना थोड़ा सा मैं भी गुस्से में आ गई थी और मार दी। लेकिन मेरा उद्देश्य ये नहीं था। उसको देखने के बाद मेरे को पता चला है कि मेरे फादर ने बहुत ज्यादा उसको बच्चों के सामने ही बच्चों को वहीं रखा और उन्हीं के सामने भी मैंने मैडम को बहुत डांटा। मैं बोला आपको मारने का अधिकार किसने दिया है भाई, आपने क्यों मारा बच्चे को और फिर इस तरह से मारा, आप मुझे भी सूचना दे सकती थी। ऐसा करके मैडम को डांटा और हमने मैडम के ऊपर स्पष्टीकरण कॉल किया है। अब उनके जवाब के बाद हम निकाले।